सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आज बात करूंगा विटामिन के बारे में और विटामिन ई क्यों जरूरी है, क्या होता है विटामिन ई और विटामिन ई के क्या फायदे हैं, शरीर में कितना महत्वपूर्ण है विटामिन की सीरीज में ये हम लोग लेकर आ रहे हैं। दूसरे विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने विटामिन डी के बारे में बात किया था, अब हम बात कर रहे हैं विटामिन ई के बारे में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कंटेंट हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको दे रहे हैं ये मेडिकल एजुकेशन के लिए है और जनहित में जारी है। और इन मेडिकल एजुकेशन के जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं इनका जो कंटेंट लिया गया है वो यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से लिया गया है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी जो जानकारी है और आप किस पर बिलीव करें, तो इसीलिए हमने ये कंटेंट लिया है यूएस नेशनल लाइब्रेरी से। तो आप इस पर पूरा यकीन कर सकते हैं और ये 100% रिलायबल है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाट इज विटामिन ई और ये क्या करता है, कैसे करता है। विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल मतलब ये पानी में नहीं घुलता, ये तेल में घुलता है। ए डी ई और के, ये चार तरह के विटामिन होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, ये तेल में घुलते हैं। ए डी ई के मतलब ये पाए ही जाते हैं तेल के रूप में। इसका जो मेन काम है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले या जान लीजिए कि ये टोकोफुराल नाम से जाना जाता है, ओनली यूज्ड फॉर्म होता है जो ह्यूमन बॉडी में यूज होता है। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म है इसके, लेकिन टोकोफुराल नाम से जो फॉर्म है इसका, ये विटामिन ई का ये वाला फॉर्म बहुत काम का है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे ये पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे काम की चीजें हैं जो आपके बॉडी में यदि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन, खराब इलेक्ट्रॉन, स्कैवेंजिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसको, ये मतलब ऐसे खराब इलेक्ट्रॉन्स को ये एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी में रिलीज होने से रोक देते हैं और हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकते हैं और खराब प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को रोककर बॉडी को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। और विटामिन सी का भी यही हाल है, मतलब यही उपयोग है और विटामिन सी भी ऐसा ही काम करता है। तो विटामिन सी के बारे में भी हम एक वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और यहां हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई और क्या करता है? तो इसका काम है इम्यून फंक्शन का। इम्यून फंक्शन का मतलब ये आपकी बॉडी का प्रतिरोधक तंत्र है, उसकी मदद करता है, बहुत हेल्प करता है और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट जो आपकी बॉडी को रक्त सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, इसमें क्लॉट की प्रिवेंशन का काम करता है, क्लॉट को रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन तो है लेकिन एंटी क्लॉटिंग एजेंट का भी काम करता है। और एक स्टडी हुई थी 1980 में, इसको ढूंढा गया। कहां से ढूंढा गया कि 1980 में कुछ साइंटिस्ट ने फ्री रेडिकल डैमेज की एक स्टडी की। उस स्टडी के दौरान इन्होंने देखा कि आर्टरीज में क्लॉटिंग हो रही है। एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, आर्टरी मतलब ब्लड सप्लाई, खून की नलियां जो हार्ड हो जाती हैं, तो खून की नलियां हार्ड होने से क्लॉट जमा होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल डैमेज होता है। तो फ्री रेडिकल डैमेज को समझने के दौरान इसकी खोज हुई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये विटामिन इतना जरूरी है कि ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। आपकी आंखों में तकलीफ हो रही है, विजन लॉस हो रहा है, तो भी विटामिन ई सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एंड क्रॉनिक कंडीशन यदि आपको बहुत सारी हैं, तो उन सभी क्रॉनिक कंडीशन में आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन ई दिया जाता है। अब जानते हैं कि और क्या काम है। तो भाई विटामिन ई हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज और फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को ही रोक देता है, मतलब खराब आयंस जो बन रहे हैं बॉडी में उनके प्रोडक्शन को रोक देता है विटामिन ई। सभी क्रॉनिक डिसीजेस, जितनी पुरानी बीमारियां आपकी है, उन सभी में डॉक्टर्स आपको विटामिन ई सप्लीमेंट
देते ही देते हैं, प्रिस्क्राइब करते ही हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को लड़ने की क्षमता देता है। तो जो कॉमनली विटामिन प्रिस्क्राइब की जाते हैं उसमें एक तो है विटामिन B12, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने खाया होगा, बीकासल्स वगैरह की कैप्सूल्स खाई होगी। दूसरा विटामिन है वो विटामिन D है। तीसरा विटामिन जो प्रिस्क्राइब होता है वो विटामिन C है। और चौथा ये है विटामिन E। Evion टैबलेट आपने या Evion कैप्सूल खाया होगा शायद, आपको याद होगा, तो Evion कैप्सूल में विटामिन E होता है। चलिए हम बात करते हैं इसके रिकमेंडेड डोजेस क्या है। तो रिकमेंडेड डोजेस भाई इसका है कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है कितना लिया जा सकता है। तो विटामिन ई का है 14 साल की उम्र तक यदि आप हैं तो आप 15 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं, मतलब ये है 22 इंटरनेशनल यूनिट। और यदि लैक्टेटिंग वुमन है जो मिल्क बच्चे को दूध पिला रही हैं उनके लिए 19 मिलीग्राम है, मतलब 19 mg 28 IU डेली। अब ये है कि विटामिन ई के जो रिकमेंडेड डोजेज है उससे ज्यादा क्या क्या यूज करता है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि हेल्थ के लिए कितना जरूरी है विटामिन ई। तो ये आपकी हार्ट डिसीज के लिए बहुत जरूरी है, ये आपकी बॉडी में कैंसर को रोकता है, एंटी कैंसरस है, और एज रिलेटेड विजन डिसीजेज यदि है, आंखों की समस्या है तो उसको रोकता है। कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, मेमोरी से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस हैं, मतलब आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी ये रोकता है। विटामिन ई के और भी बहुत सारे काम हैं, और कहां से मिलता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं, ब्यूटी के फील्ड में विटामिन ई का बहुत ज्यादा रोल है। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट की सबसे पहली पसंद होते हैं विटामिन ई, और दूसरी पसंद है विटामिन सी। क्यों? सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ज्यादा जरूरी यूज होता है क्लींजर के रूप में, क्योंकि ये क्लींजर का बहुत अच्छा काम करता है। अहम कारण ये है कि ये बहुत अच्छा क्लींजर है और त्वचा की सभी परतों में जमी गंदगी को और डेड सेल्स की सफाई कर देता है, इसका बहुत अच्छा रोल है। लाल रक्त कणों के निर्माण में विटामिन ई बहुत जरूरी है, बहुत सहायक है, और प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ई का सेवन बच्चे को एनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन ई। विटामिन ई मानसिक रोगों में भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और मानसिक रोगों की संभावना होती है यदि विटामिन ई कम है, तो शरीर में विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मानसिक तनाव होगा और ऐसी समस्याओं के लिए आपको विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एंटी एजिंग होता है यदि आपने विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन लिया। लोग सोचते हैं ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन लीजिए, और इसके डोजेस भी हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि आप 15 से 20 दिन तक विटामिन ई लीजिए और एक कैप्सूल रोज लीजिए। Evion की एक कैप्सूल 400 वाली आप इसको ले सकते हैं। तो विटामिन ई में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी त्वचा में जो बढ़ती उम्र का असर है उसको कम करता है। मतलब यदि बढ़ती उम्र का असर आपकी बॉडी में दिख रहा है तो विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक और काम करता है, झुर्रियों को भी कम करता है, और झुर्रियों को रोकने में बहुत प्रभावकारी है, बहुत मेहनत, बहुत मतलब इफेक्ट देगा, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। और इसे खाया भी जाता है, और इसकी कैप्सूल जो है वो लोकली अप्लाई भी की जाती है, और इसके जो सप्लीमेंट है वो ऊपर से लगाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। हार्ट डिसीज के लिए मैंने बताया कि जिन लोगों में विटामिन ई की अधिकता होती है उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, और मेनोपॉज जिनको हो जाता है, जिन महिलाओं को, मतलब जिनमें मासिक धर्म बंद हो गया है या होने वाला है, उनमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक आने की जो संभावना है उसको बहुत कम करता है। तो बहुत जरूरी विटामिन है। प्राकृतिक नमी के लिए, मतलब आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में, स्किन में, त्वचा में प्राकृतिक नमी बनाए रखने के लिए विटामिन ई बहुत फायदेमंद है, और त्वचा की कोशिकाओं को का एक नया जीवन प्रदान करता है। त्वचा की कोशिकाओं को जरूरी है विटामिन ई देना। अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी विटामिन ई आपकी बॉडी की रक्षा करता है। सूरज की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें आपकी विटामिन ई का, यदि आपको सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हैं तो सनबर्न से आप प्रिवेंट हो जाते हैं। यदि फोटो सेंसिटिविटी की आपकी तकलीफ है, मतलब आपकी स्किन धूप में जाने के बाद ब्लैक हो जाती है या बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है या इरिटेशन होता है या जलन होती है, तो वो उस समय भी आपको बहुत काम देता है। विटामिन ई का प्रयोग ब्रेन की बहुत सारे न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स होती है, जैसी बीमारियां हैं उसमें बहुत उपयोग होता है, और कैंसर से लड़ने में तो मैंने बताया कि ये
बहुत कारगर है, इसे दिया ही जाता है क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम मतलब आपके प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। कुछ स्टडीज हैं जिसमें ये बताया गया है कि डायबिटीज के खतरे को कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ किसी भी तरह की एलर्जी यदि हो रही है उसमें भी ये आजकल बहुत प्रिस्क्राइब किया जा रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। पर ये जो बात है ये अभी अंडर स्टडी है और आगे स्टडीज आने वाली है कि किस तरह से विटामिन ई के और फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है ऐसा कुछ जगह स्टडीज में पाया गया है और शरीर में वसी अम्ल जितने होते हैं उसके संतुलन में ये मदद करता है। मतलब फैटी एसिड्स जितने हैं, वसी अम्ल मतलब फैटी एसिड्स को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी प्रॉब्लम है मतलब हाइपोथायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म जो मिलता है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इतना उपयोग है विटामिन ई का, इस तरह से विटामिन ई हमारी बॉडी में जरूरी होता है और ऐसे लेते रहें यदि हम विटामिन ई तो बॉडी अच्छी रहेगी। कुल मिला के विटामिन ई के सप्लीमेंट्स कैसे लिए जाएं, कहां से लिए जाएं, इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो क्या फूड आइटम्स कौन से हैं जिनसे आपको विटामिन ई मिलेगा? आप सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन का उपयोग करते हैं, सोयाबीन की बड़ी यूज करते हैं, सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, विटामिन ई उसमें पाया जाता है। जितने भी तेल हैं उसमें विटामिन ई आपको मिलेगा, जैसे जैतून का तेल विटामिन ई आपको मिलेगा और आपने देखा होगा कि जैतून का तेल बच्चों को लगाया जाता है, सोयाबीन तेल खाया जाता है, तिल के तेल का उपयोग हम लोग करते हैं, तिल के तेल में विटामिन ई आपको मिलेगा, सूरजमुखी का सनफ्लावर का ऑयल विटामिन ई उसमें मिलेगा, पालक विटामिन ई मिलेगा, एलोवेरा विटामिन ई मिलेगा, सतावर आपने यूज किया होगा जिसकी जड़ें लगभग 70 से 80 जड़ें एक साथ और मोटी मोटी रहती हैं आपने देखा होगा सतावर, तो वो उसमें भी विटामिन ई होता है और एवोकेडो एक फूड होता है उसमें भी विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारे फूड सोर्स हैं जो प्लांट बेस्ड ऑयल हो गए उनमें मिलेगा ही मिलेगा, नट्स जितनी है उसमें मिलेगा, सीड्स बीज वाले इसमें है उसमें मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा जैसे व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर, सैनफ्लावर, सोयाबीन के जो सूरजमुखी के जो बीज हैं उनमें भी मिलता है, आमंड में आपको मिलेगा, पीनट्स में मिलेगा, पीनट बटर में मिलेगा, बीट ग्रीन्स मिलेगा, कोलर ग्रीन्स और स्पिनच में तो मिलता ही है, पालक में मैंने बताया, पंपकिन में मिलता है, कद्दू में, रेड बेल पेपर होती है, एस्परेगस होता है उसमें मिलेगा, आम में विटामिन ई मिलता है, एवोकेडो के बारे में मैंने बताया। तो जितने तेल है उसमें तो मिलेगा ही, जितनी आप नट्स खाते हैं उसमें भी मिलेगा। साइन ऑफ डेफिशिएंसी क्या होता है? बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, साइन ऑफ डेफिशिएंसी मतलब कमी से क्या होगा। भाई देखो, साइन ऑफ डेफिशिएंसी में है कि वैरायटी ऑफ फूड एंड सप्लीमेंट में तो मिलता है लेकिन डेफिशिएंसी के बारे में कैसे पता करोगे? तो जो कुछ लोगों में जो रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पेट की बीमारियां होती है जिसमें फैट ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे पैनक्रेटाइटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या सीलिक डिसीजेस हैं, बड़ी आंत की बीमारियां हैं या छोटी आंत की बीमारियां, उनमें ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। तो क्या क्या साइन आते हैं चलो समझते हैं। रेटिना में डैमेज मिल सकता है, मतलब ये आपके विजन को इंपेयर कर सकता है, आपकी देखने की क्षमता कम कर सकता है, डिम हो जाती है विजन, डैमेज हो जाता है रेटिना, तो डैमेज टू द रेटिना ऑफ द आई दैट कैन इंपेयर योर विजन, तो आपकी आंखों में तकलीफ आ सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो समझ लीजिए विटामिन, जिन लोगों को डायबिटीज ज्यादा होती है उनके साथ में समस्या आती है, डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स, आपके हाथों की पैरों की नर्व में कमजोरी आती है, वीकनेस हो सकती है, दर्द होता है, चुभन हो सकती है, जलन महसूस हो सकता है और जैसा लगेगा जैसे चींटियां चल रही हों, एटेक्सिया यानी लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी हिलते डुलते मूवमेंट कर रही है, अटैक्सिक बीमारियां होती है, अटैक्सिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें हो, और इम्यून फंक्शन जो है वो डिक्रीज होता है, अब मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, कैसे पता करें टॉक्सिसिटी क्या होती है? देखो अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला विटामिन ई के बारे में कि जो खाने से खाया जाए और फूड से लिया जाए और नेचुरली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ टॉक्सिक डोजेज आप लेंगे, वैसे सप्लीमेंटेशन बताया गया है कि 400 से 1000 IU 400 से 1000 IU की इसकी कैप्सूल्स आती है और जितना बॉडी को उपयोग होना होता है वो उपयोग कर लेती है विटामिन डी विटामिन ई का और उसके बाद उसको आउट कर देती है, तो इसको स्टोर तो कर नहीं सकते। अभी तक सप्लीमेंट्स के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन रिस्क होता है कि थोड़ा सा ये एक्सेस ब्लीडिंग करवा सकता है,
यदि 1000 मिलीग्राम जो आईयू है, इंटरनेशनल यूनिट आईयू, उससे यदि ज्यादा हो जाता है एमसीजी से, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको समस्या आ सकती है। ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो ले रहे हैं, जैसे वारफेरिन वगैरह जो लोग लेते हैं, उनके साथ समस्या आ सकती है, उनमें प्रॉब्लम होती है। तो एक डोज बनाया गया, एडल्ट का डोज है 19 साल तक और उससे ऊपर तक 1000 एमजी, जैसे 1465 आईयू होता है वो दिया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा एक वो हाई रेंज है, उससे ऊपर जाना मतलब ये डेंजरस हो सकता है, ना जाएं और उसी बेसिक डोजेस में ही रहें। साइंटिस्ट के बीच में इस बारे में डिबेट है कि किस तरह से हार्मफुल डोजेस होते हैं, रीएनालाइज कर रहे हैं, बार बार स्टडीज हो रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल करीब 19 से लेकर 20 प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और आती जा रही हैं स्टडीज जैसे जैसे आएंगी बहुत सारी चीजें अपडेट होगी, नॉलेज हमेशा अपडेट होता रहता है और अपडेटेड नॉलेज के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि आपको किस तरह से विटामिन ई के बारे में और क्या जानकारी दी जानी चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया वो बहुत जरूरी जानकारी थी, आप ये याद रखिए कि विटामिन ई आपको कितना लेना है और किन किन चीजों में मिलेगा, आप कितना लेना है इस बारे में भी मत सोचिए, वो आपके डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे। आपको अपने मन से विटामिन ई के डोजेस नहीं लेना है, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपके डोजेस डिसाइड करेंगे। दूसरा ये है कि ये ब्यूटी विटामिन भी है तो बहुत जरूरी है, तो आपको इसको लेना चाहिए। एंटी एजिंग विटामिन है तो आपको लेना चाहिए। हम एक बार और एक वीडियो में बताएंगे विटामिन ई का स्किन और हेयर के लिए क्या रोल है और किस तरह से काम आता है, कौन कौन सी चीजों में इसका यूज होता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोयाबीन खाना चालू कर दीजिए, जैतून का तेल उपयोग कीजिए, लगाइए उसको बॉडी में, मालिश कीजिए, बच्चों की तो करते ही हैं। तिल का तेल आप बहुत यूज कर सकते हैं, तिल का तेल बहुत जरूरी है विटामिन ई के लिए। सूरजमुखी का तेल यदि आप रेगुलर अपने खाने में यूज कर लें तो बहुत अच्छा है। पालक भाजी, एलोवेरा, सतावर और एवोकेडो तो हम कम यूज करते हैं लेकिन एलोवेरा बहुत यूज करते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि एलोवेरा को हर ब्यूटी प्रोडक्ट में लगभग यूज किया गया है। तो आशा है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपको एक और बात बता दूं, विटामिन की इस सीरीज के साथ हमारी चल रही है कैंसर की सीरीज, तो अगला वीडियो आपको कैंसर की सीरीज में मिलने वाला है और ये वीडियो होगा कैंसर कितने प्रकार का होता है और कितनी तरह के कैंसर, प्रकार कितने प्रकार का मतलब कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर कि किस तरह की कोशिकाएं हैं और कौन कौन से कैंसर होते हैं वो हम बताएंगे और कितने प्रकार के मतलब बॉडी में कहां कौन कौन से अंगों में कौन कौन सा कैंसर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत ऑथेंटिक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।